आपके इस कहने का आधार क्या है? यानी बीज घोटाला होता रहा, इसी की तो जांच होता है या कोई तारीख फिक्स कर योगेश मिश्र। न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। हमारे देश में बहुत से ऐसे संत महात्मा और महापुरुष हुए हैं जिनके निधन, इंतकाल, देहावसान को लेकर तमाम किस्से, कहानियाँ और लोकोक्तियाँ चलती रहती हैं। देश में ऐसी जितनी मिथ की कथाएँ हैं उनमें तीन ऐसी विभूतियाँ हैं जिन्होंने अपने जाने के बाद अपनी देह तक नहीं छोड़ी। इनमें कबीर, मीरा और चैतन्य महाप्रभु के नाम आते हैं। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु तो अपने आराध्य के विग्रह में ही समाहित हो गए। इन तीनों विभूतियों में से दो का रिश्ता कृष्ण से है। इनमें मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हरे राम हरे कृष्ण का बीज मंत्र दिया। मीरा और चैतन्य महाप्रभु अपने आराध्य के विग्रह में ऐसे समाहित हुए जैसे विग्रह और प्रेम के बीच कोई अद्वैत नहीं था। मीरा का भी कृष्ण से ऐसा ही रिश्ता था। चैतन्य महाप्रभु और मीरा के अनुयायी भगवान कृष्ण के विग्रह को सीने से लगाए हुए घूमते रहते हैं, संकीर्तन करते हुए देखे जा सकते हैं। उनका मानना है कि वे सिर्फ भगवान कृष्ण को सीने से नहीं लगाए हुए हैं बल्कि वे चैतन्य महाप्रभु को भी सीने से लगाए हुए हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के विग्रह में समाहित हो गए थे, इसीलिए उनके सीने से चैतन्य महाप्रभु भी लगे रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय के भक्त योग के शीर्ष कवियों और संतों में आते हैं। इन्होंने भजन गायकी की एक नई शैली को जन्म दिया, विलुप्त वृंदावन को फिर से बसाया। इनका जन्म होली के दिन हुआ था। नीम के नीचे जन्म होने के नाते इन्हें निमाई भी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव के गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे संकीर्तन का महामंत्र दुनिया को दिया। यह महामंत्र दुनिया में बहुत तेजी से लोकप्रिय भी हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने हमें 8 श्लोक दिए हैं जिन्हें शिक्षाष्टक कहते हैं। वह कीर्तन करते करते नाचने लगते थे। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में हरि बोल कहते हुए वह बेहोश हो गए। प्राण त्यागने के जैसे लक्षण उनके शरीर में दिखने लगे। लेकिन जब उनके एक शिष्य ने उनके पैर के तलों में कान लगाकर यह जांचने की कोशिश की कि महाप्रभु हैं या नहीं, तो उसने पाया कि महाप्रभु के तलवे से आवाज़ आ रही है, हरे राम हरे कृष्ण आज जब कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम अधारा है, तब चैतन्य महाप्रभु की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। चैतन्य महाप्रभु को जीवित रखने का काम इन दिनों इस्कॉन कर रहा है। इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस का हिंदी अर्थ चैतन्य, भान, बोध, समझ, आपा और ज्ञान होता है। यह संस्थान चैतन्य महाप्रभु के अभियान को आगे बढ़ा रहा है। इस्कॉन को हरे कृष्ण मूवमेंट के नाम से भी दुनिया भर में जाना जाता है। 1966 में न्यूयॉर्क में वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की आधारशिला रखी, जिनका धर्म ग्रंथ भगवद गीता है। भक्ति योग इनका साधना पथ है। भक्त के माध्यम से अपने इष्ट श्री कृष्ण को प्रसन्न करना इनका अभियान है। प्रभुपाद ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। वह मानते थे, मैं अकेला हूँ इसलिए सब कुछ नहीं कर सकता, पर कुछ कुछ तो कर सकता हूँ, कुछ कुछ करके भी सब कुछ किया जा सकता है, ऐसा प्रभुपाद का मानना था। उनके गुरु ने उन्हें यह काम दिया कि वह गीता के ज्ञान को दुनिया में पहुँचाएँ। गुरु के आदेश के बाद वह गीता का अनुवाद करने में जुट गए। एक दिन उनकी पत्नी ने उन अनुदित कागजों को बेचकर चाय खरीद ली। उन दिनों अंग्रेज भारत में चाय का प्रचार करने लगे। प्रभुपाद को लगा कि मेरी पत्नी ने टी और मी में से टी को चुन लिया। उन्हें यह बात बहुत अखरी और 70 साल की उम्र में 30 दिन की यात्रा करके न्यूयॉर्क जा पहुँचे। उन दिनों वियतनाम और अमेरिका का युद्ध चल रहा था। अमेरिकी सरकार हिप्पियों से बेहद परेशान चल रही थी। प्रभुपाद ने सनातन धर्म के विस्तार का संकल्प लिया। सबसे पहले हिप्पियों को अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें समझाया कि उनका अभियान हिप्पियों को हैप्पी बनाने का है। उन्होंने 10,000 शिष्य तैयार कर लिए। सनातन धर्म के विस्तार और गीता के ज्ञान के प्रचार के लिए पैसे जरूरी थे। उन्होंने किताबें लिखी, दुनिया के 25 भाषाओं में उन किताबों का अनुवाद कराया। 5 करोड़ किताबें बांट करके
थोड़े से पैसे इकट्ठे किए। 1965 से 1974 तक अगरबत्ती बनाने का काम किया। इस कारोबार से 3 साल में 1,00,000,000 डॉलर की आमदनी उन्हें हुई, जिसे उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार में लगाया। वह रिलीजन की नहीं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे। गायक जॉर्ज हैरिसन ने उन्हें 70 एकड़ का फॉर्म दिया। वह अपने रॉक स्टार गानों के साथ भजन भी गाने लगता था। प्रभुपाद ने 12 साल में 15 बार दुनिया का भ्रमण किया। दुनिया भर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू कराई। स्टीव जॉब्स ने कहा है कि जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो 7 किलोमीटर चलकर मैं इस्कॉन मंदिर में खाना खाने के लिए जाता था। बौद्ध धर्म को हमने हिंदू धर्म से अलग कर दिया, वही किया जो बुद्ध चाहते थे। वह भी तब जबकि शंकराचार्य ने बुद्ध को नारायण का अवतार कहा था। बहुत से दार्शनिक शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध मानते हैं। इस्कॉन की शुरुआत अमेरिका के न्यूयॉर्क से हुई। इस वजह से कभी कभी हम इसको विदेशी कहने की गलती करने लगते हैं। जो वैष्णव धर्म की बात कर रहा हो, भगवान कृष्ण जिसके आराध्य हों, राम और कृष्ण का नाम जिनका संकीर्तन हो, जहाँ भगवद गीता का पाठ और पढ़ाई होती हो, जिसे हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में जिसने 12 मंदिर बनवाए हों, उन्हें हिंदू धर्म से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसा करना एक बड़ी गलती होगी। लोगों के दिमाग में भरे जा रहे इस मिथ को खत्म करने की जिम्मेदारी इस्कॉन के लोगों की भी है, इस्कॉन के अनुयायियों की भी है। अगर इस मिथ को खत्म करने में कामयाब हुए, निश्चित तौर से इस्कॉन को वो स्थिति हासिल होगी जो उसे चाहिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।